नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, और देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के कई राज्यों में अब 5 दिन तक चलेगी हीट वेव, 4 डिग्री तक बढ़ जाएगी गर्मी। पिछले महीने झमाझम बारिश के बाद अब मौसम जो है पूरे देश में लगातार तेजी से बदल रहा है। धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। वहीं गंगी पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों तक हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा ओडिशा में भी हीटवेव चलेगी। वहीं मौसम विभाग के NIMD के अनुसार देश भर में अगले 5 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। आंधी तूफान की भी संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में 14 तारीख तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं कोंकण में आज और कल, मराठवाड़ा में कल 14 अप्रैल को यहां पर ओलावृष्टि होने जा रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तराखंड में 15 और 16 को हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 16 तारीख को पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में भी यहां पर 16 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा यूपी, हरियाणा में भी यहां पर आज कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है। वही MP, गुजरात और महाराष्ट्र और ओडिशा में तेलंगाना अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक कुछ इलाकों में चल रहा है, जबकि बाकी जगहों पर 40 डिग्री से कम है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और से सटे पूर्वी भारत, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी अधिकतम तापमान में औसत 2-3 डिग्री बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्यों में अगले 3 दिन तक दौरान यहां पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वही गंगे पश्चिम बंगाल में 16 तारीख और ओडिशा में 15 तारीख तक हीट वेव चलने की स्थिति यहां पर रहने की बात कही गई है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो पटना समेत 24 जिलों के तापमान में वृद्धि हुई है, 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। पटना समेत बिहार में पछुआ हवा जो है लगातार यहाँ पर सभी जिलों में भी चल रही है, प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ रही है। दोपहर में राज्य के अधिकांश जगहों पर धूल भरी हवा और पटना और आसपास के क्षेत्रों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतह चल रही है। वही मौसम विभाग के अध्यक्ष के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान सतही हवा का प्रवाह जो है इसी तरह बना रहेगा। कुछ स्थानों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा का प्रवाह बना रहने के आसार है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि के आसार है। हालांकि अभी कहीं भी यहाँ पर हीट वेव की स्थिति जो है बिहार में फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है कि हीट वेव वगैरह यहाँ पर इसकी कोई यहाँ पर फिलहाल जानकारी नहीं है। बात अब करते हैं राजस्थान के मौसम अपडेट की, तो आखिर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। तो राजस्थान के मौसम को लेकर कुछ बड़ा यहाँ पर जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है। दरअसल राजस्थान में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है कि आने वाले 24 घंटों में राजस्थान में तापमान जो है 40 डिग्री के पार जा सकता है। इस तरह का जो बदलाव का मौसम का बदलाव की चेतावनी जो है वो दी गई है। दरअसल बात यह कि राजस्थान में अप्रैल में मौसम जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पर बारिश तो कभी तापमान में वृद्धि से यहाँ पर गर्मी में इजाफा हो रहा है। वही आज भी प्रदेश कई समय बादल छाने और बूंदाबांदी के संकेत मिले हैं। वही राजस्थान मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 5 दिनों में यहाँ पर ये मौसम इसी तरह का रहेगा। वही बूंदाबांदी और कुछ जिलों में बादल छाने के आसार है। वही 14 तारीख तक 40 डिग्री तक पारा जो है पहुंच सकता है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, कोटा, चूरू और जैसलमेर, जोधपुर में इस हफ्ते तापमान में वृद्धि जो शुरू हो जाएगी। वही राजस्थान के मौसम की जो मौसम विभाग की ओर है, तो मौसम विभाग की जानकारी की जो दी गई है उसमें अगर मौसम विभाग की अगर माने तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो है पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। जयपुर में आज बादल छाए रहेंगे। अजमेर, बीकानेर, अलवर, दौसा और जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में भी हल्की बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया। नहीं, कुछ इलाकों में भी फिलहाल गर्मी से राहत थोड़ी बहुत मिलती हुई नजर आ रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मौसम अपडेट की, तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अंदर भी मौसमी बदलाव बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। यानी बदलाव जो है तेजी से जो है महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। अभी आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ हालात रहेंगे तो इस तरह की जानकारी जो है मौसम विभाग की ओर से अभी जानकारी दी जा रही है। तो राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। हल्की मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। इस तरह का अपडेट जो है महाराष्ट्र को लेकर निकल कर आ रहा है। वही
राज्य के कुछ इलाकों में जो है बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और जो जानकारी आई है उसके मुताबिक नासिक नापर तुलका में बीते मंगलवार को भारी बारिश हुई है, जिससे चंदोरी और कारगांव और चापड़ा गांव और इसके अलावा महाराजपुर और गदाकोट में भयंकर बारिश हुई। इस बारिश से अंगूर और प्याज और गाजर की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा सागर यानी भीमा शंकर पर भी ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है। मंदिर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश के कारण ठंडी वायु भी यहाँ पर चलने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो है बिहार और पश्चिमी बंगाल, असम, झारखंड सहित राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश जो है हो सकती है, यानी इन राज्यों में सामान्य से अधिक जो बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र में इस तरह की यहाँ पर पहले सामान्य बारिश की बात कही गई है। महाराष्ट्र के बाद एमपी का विजिट कर लेते हैं। एमपी के मौसम के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देते हैं। एमपी के मौसम को लेकर क्या अपडेट है? तो बता दें कि एमपी के अंदर भी मौसम जो है लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में चेतावनी जो है जारी की है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम जो है उलट फेर कर रहा है। वह फिलहाल सुबह में मौसम के तेवर तल्ख है और अधिकांश हिस्सों में तेज धूप देखी जा रही है। राजगढ़ में तापमान 42 डिग्री पार गया है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदापुरम में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, उज्जैन में भी यहाँ पर गर्मी का स्तर देखा जा रहा है। वहीं इन शहरों में पारा 38 डिग्री छू गया है। वहीं मौसम विभाग ने 15 तारीख तक विभिन्न के इलाकों में यानी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी की बात कही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा वक्त में राजस्थान के पश्चिम भाग पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है साइक्लोनिक। यही नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक तक एक जो रेखा है ट्रफ रेखा वो भी गुजर रही है। इस ट्रफ रेखा से उत्तरी केरल से मध्य महाराष्ट्र तक बनी हुई है। उक्त मौसमी परिस्थितियों से अरब सागर में नमी जो सागर से नमी है वो लाने में मददगार साबित हो सकती है। अधिकांश इलाकों में आंधी बारिश हो सकते हैं। वही अब बात कर लेते हैं एमपी के बाद सीधा आपको अभी ले चलते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो आखिर उत्तर प्रदेश में अब आने वाले 24 घंटों में किस तरह का रहने वाला है मौसम? तो यूपी को लेकर मौसम विभाग की ओर से अपडेट यही है कि गर्मी के तीखे तेवर हो चुके हैं, मेरठ तक चढ़ने लगा है पारा। दरअसल बात हुआ कि यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर को तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे धूप की वजह से धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। चिड़चिड़ाती धूप की वजह से यहाँ पर गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि अभी लोग जो है घर से बाहर निकलने में यहाँ पर थोड़ा जो परेज जो है वो महसूस करने लगे हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज भी इस तरह का मौसम जो है यूपी में रहने वाला है, यानी तापमान में उतराव चढ़ाव का दौर जो है यूपी में जारी रहने वाला है। यानी जो चढ़ाव है यानी जो तापमान है तेजी से बढ़ने के आसार है। वैसे आप कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं, अपने जिले और राज्य का नाम कमेंट